कुमार अलड़िया, आपका स्वागत करता हूँ पीटीसी जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एससीआर का कंस्ट्रक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं एससीआर का कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एससीआर। एन एससीआर इज सो कॉल्ड बिकॉज सिलिकॉन इज यूज फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन एंड इट्स ऑपरेशन एज अ रेक्टिफायर कैन बी कंट्रोल्ड, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज मेड अप ऑफ अ सिलिकॉन मटेरियल विच controls high power and converts high AC current into DC currents, hence it is named as silicon controlled rectifier। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो बना हुआ होता है SCR वो silicon material का बना हुआ होता है और इसका जो operation है वो है rectification के लिए, और जो कि हम उसका output है उसको controlled कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं silicon controlled rectifier। आगे हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। तो व्हाट इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इज द ओल्डेस्ट फैमिली मेंबर ऑफ थायरिस्टर। तो ये थायरिस्टर फैमिली का सबसे फर्स्ट मेंबर हम कह सकते हैं इसको, और जो कि यूनिक डायरेक्शनल कंट्रोल करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड है वो पी टाइप लेयर को एन टाइप लेयर में डिफ्यूज करके हम बनाते हैं, तो उसमें टू लेयर डिवाइस है डायोड, जबकि यहाँ पर एससीआर है फोर लेयर डिवाइस जिसमें पी टाइप एन टाइप अगेन पी टाइप एंड एन टाइप, इस तरह फोर लेयर्स ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की डिफ्यूज की हुई होती हैं। और जो एससीआर है वो फर्स्ट जो फैब्रिकेट किया था वो किया था बेल लेबोरेटरीज ने, और इसका जो फर्स्ट प्रोटोटाइप इंट्रोड्यूस किया गया था वो जीईसी के द्वारा किया गया था 1957 में। अब इसका नाम थायरिस्टर कैसे पड़ा, इस फैमिली का जो नाम है थायरिस्टर कैसे पड़ा वो देखिए। जो ये जो थायरिस्टर है वो दो टर्म का एक कॉम्बिनेशन है जो कि लिया गया है कहाँ से, थायरेट्रॉन एंड ट्रांजिस्टर। थायरेट्रॉन जो पहले थायरेट्रॉन ट्यूब थी जो कि जिससे कि हम रेक्टिफायर पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते थे, और ट्रांजिस्टर जो कि आजकल हम पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। तो यहाँ पर ये जो फोर लेटर्स इसके थायरेट्रॉन के लिए हैं स्टार्टिंग के, और लास्ट के फाइव लेटर्स लिए हैं ट्रांजिस्टर से, तो इन दोनों को मिलाकर ये बनाया गया है थायरिस्टर। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसका नाम थायरेट्रॉन और ट्रांजिस्टर से क्यों लिया है। तो एक्चुअल में इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थायरेट्रॉन ट्यूब के जैसा है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थायरेट्रॉन ट्यूब के जैसे हैं, और जो कंस्ट्रक्शन है वो है ट्रांजिस्टर के जैसे। तो ट्रांजिस्टर भी अपना सेमीकंडक्टर से ही अपन डिज़ाइन करते हैं इसको, और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है थायरेट्रॉन ट्यूब की जैसे। अब यहाँ पर ये जो पी टाइप एन टाइप ये जो लेयर्स हैं इनकी जो डोपिंग है वो अलग अलग की हुई होती है। जो आउटर जो पी और एन लेयर्स हैं इनकी जो डोपिंग है वो हाईली डोप्ड होती हैं, और जबकि ये वाला जो पी है इनर पी रीजन जो कि गेट से कनेक्टेड है ये है अपना एवरेज डोप्ड, और जो ये वाला जो एन टाइप है ये होता है लाइटली डॉप। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। अब ये अभी हमने देखा कि इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम था इससे पहले वाली स्लाइड में, ये फोर सेमीकंडक्टर लेयर होती हैं पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल जो कि एन पी एन पी या पी एन पी एन स्ट्रक्चर है। अब इसमें अपने तीन जंक्शन होते हैं J1, J2 एंड J3, और तीन टर्मिनल होते हैं एनोड कैथोड एंड गेट। जो एनोड है वो आउटर पी लेयर से कनेक्टेड है, और कैथोड है वो आउटर एन लेयर से कनेक्टेड है, और जो गेट टर्मिनल है वो है इनर पी लेयर से कनेक्टेड। ये देखिए यहाँ पर एनोड
आउटर पी लेयर से, कैथोड आउटर एन लेयर से, और जो गेट टर्मिनल है वो इनर पी लेयर से कनेक्टेड है। और जो इसका गेट टर्मिनल है उसको कई बार हम कंट्रोल टर्मिनल के नाम से भी बोलते हैं। एनोड पर हमेशा पॉजिटिवली चार्ज, ये एक तरह से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है जिस पर कि पी से कनेक्टेड है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड बायस में करने के लिए, और कैथोड को नेगेटिव से। ये देखिए, सिलिकॉन इज यूज्ड एज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मीन्स ये कि डोप्ड सेमीकंडक्टर यूज करेंगे, और जब इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं तब अपना बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये मैंने तुम्हें बताया था कि जो आउटर पी लेयर है और आउटर एन लेयर है वो हैविली डॉप्ड यानी कि हैविली इम्प्योरिटीज या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे, और जो इनर पी है, पी लेयर है इसकी, वो एवरेजली डॉप्ड, और इनर एन लेयर है वो होगी अपनी लाइटली डॉप्ड। एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन है वो एससीआर का कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर ये एक थ्रेडेड बोल्ट लगा हुआ होता है जो कि काम आता है किस पे, या तो इसको फ्रेम में हम टाइट करते हैं या हीट सिंक पे। हीट सिंक पे टाइट करने का मतलब ये है कि ये अगर हाई पावर पे अपन काम में ले रहे हैं तो ये इसमें थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर फ्लो होगी जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी गर्म होता है, तो हीट सिंक इसको हीट को डिसिपेट करने के लिए काम आता है। और ये जो एनोड है इसका, ये एल्यूमिनियम मटेरियल का यहाँ पर बना हुआ होगा, और जो गेट टर्मिनल है वो इनर पी लेयर पे कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये जो ये एन लेयर है जो कि कैथोड टर्मिनल से कनेक्टेड है। और गेट टर्मिनल और कैथोड टर्मिनल जनरली पास पास ही रखे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है जिस तरह डायोड का सिंबल होता है। डायोड भी यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, ये भी यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, और ये जो एरो हम देख रहे हैं इसी एरो की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी इसमें हमेशा। और ये यहाँ पर जो डायोड का जो सिंबल होता है उसके यहाँ पर एक गेट टर्मिनल और एससीआर के सिंबल में ऐड होगा, तो अगर गेट टर्मिनल को यहाँ से हटा दें तो ये एक तरह से डायोड का सिंबल जैसे दिखता है, पर यहाँ पर एससीआर के सिंबल में एक गेट टर्मिनल और होगा। ठीक है, अब आजकल जो मार्केट में जो रेटिंग अवेलेबल है एससीआर की वो है 10 किलो वोल्ट, वोल्टेज रेटिंग है 10 किलो वोल्ट, और आरएमएस करंट रेटिंग है इसकी 3000 एम्पियर। तो इस तरह से इसकी जो पावर रेटिंग होगी 30 मेगावाट, यानी कि 30 मेगावाट पावर रेटिंग का एससीआर मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा रेटिंग के अपने को अगर एससीआर या कोई सर्किट में इसको यूज़ करना है तो क्या करेंगे हम, अगर मान लो वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज करनी है तो इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और अगर करंट रेटिंग इंक्रीज करनी है तो हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम ये ब्रीफ इसकी प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं कि एससीआर एक सॉलिड स्टेट पावर डिवाइस है जो कि हाईएस्ट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है जिसकी, और ये एक लैचिंग टाइप डिवाइस है। लैचिंग टाइप मीन्स जैसे ही ये ऑन होगा इसकी जो करंट है वो लैचिंग करंट पे पहुंच जाएगी। कहने का मतलब जैसे ही अगर मान लो लैचिंग करंट पे इसकी करंट पहुंच जाती है तो क्या है कि इसकी गेट पे सप्लाई हटाने के बाद भी ये ऑन रहेगा। लैच मतलब जैसे अपन डोर को लैच कर देते हैं तो वो खुल नहीं पाता, तो ऐसे ही जैसे ही ये ऑन होगा थायरिस्टर इसकी गेट सप्लाई हटा दो ये ऑन ही रहेगा, ऑफ नहीं होगा। और लाइक अ ट्रांजिस्टर ये भी करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, और ये कैन एक्ट एज ओपन और क्लोज स्विच, यानी कि ओपन स्विच की तरह भी काम करेगा और क्लोज स्विच की तरह भी काम करेगा। और इसका जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत ही कम होगा, और अभी हमने देखा कि ये हैंडल कर सकता है थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर्स ऑफ करंट, और ये एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। तो
ये देखा हमने अभी एससीआर का कंस्ट्रक्शन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।